गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस के बारे में। ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस क्या होता है? सो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम परमिसिबल ओवरऑल वेरिएशन ऑफ फ्रॉम और पोजीशन ऑफ अ फीचर। यानी कि अगर एक आपको अगर एक कंपोनेंट गिवन होगा, ठीक है, तो कंपोनेंट में मतलब इसके पहले हमने देखा था कि साइज़मिस्टिक टॉलरेंस आ रहे थे, है ना। तो यहाँ पे हम साइज़ का टॉलरेंस नहीं लेते, हम ओवरऑल उस कंपोनेंट का हम क्या लेते हैं, वेरिएशंस लेते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। मतलब सभी आ गए उसमें, मशीन की प्रोसेस आ गई, वैल्यूज़ आ गए, उसकी साइज आ गई, उसके बाद कहाँ से कौन सा मतलब डेटम साइज कहाँ से लेना है, कहाँ से उसको वेरिएशन देना है, मतलब एक पूरा कंपोनेंट उसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो देखो इसका यूज़ कहाँ पे, टू स्पेसिफाई द रिक्वायर एक्यूरेसी इन कंट्रोलिंग द फॉर्म ऑफ फीचर। यानी कि एक्यूरेसी आनी चाहिए, टू इंश्योर करेक्ट फंक्शनल पोजिशनिंग ऑफ द फीचर्स। मतलब करेक्ट फंक्शनल क्या है, उसका पोजीशन क्या, कौन सी देनी है। उसके बाद टू इंश्योर द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स एंड टू फैसिलिटेट द असेंबली ऑफ द मेटिंग कंपोनेंट्स। क्योंकि मेटिंग कंपोनेंट्स को भी प्रॉपर फंक्शन देना चाहिए। अभी देखो टॉलरेंस जोन, देखो टॉलरेंस जोन क्या होता है अभी, तो इट इज़ ए इमेजिनरी एरिया और वॉल्यूम विद इन विच द कंट्रोल फीचर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट मस्ट बी कम्प्लीटली कंटेंड। मतलब एक एरिया सिलेक्ट करते हैं हम एक वर्क पीस का, मतलब उस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ से सारे के सारे अपने जो फीचर्स है उसको वहाँ उस प्लेन से लगाना स्टार्ट कर दें। मतलब कैसे रहता है ना, अगर एक कंपोनेंट है तो हम सारे के सारे कंपोनेंट्स के ऊपर हम टॉलरेंस नहीं लगा सकते। तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट सिलेक्ट करते हैं या फिर एक रीजन सिलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ से हम क्या लगाते हैं, अपने टॉलरेंस जो है उसको हम ऐड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिसके देखो ये एलिमेंट्स है ना, और ये क्या होगा, उसका टॉलरेंस जोन हुआ ये इतना। यहाँ पे देखो ये एक एलिमेंट है, लेकिन टॉलरेंस जोन सिर्फ हमने इतना ही सिलेक्ट किया है। मतलब जो भी अपने वेरिएशन से हम सिर्फ यहाँ पे ही लगाने वाले हैं, हम पूरे के पूरे एलिमेंट पे हम टॉलरेंस अप्लाई नहीं करते। अभी डैटम देखो, डैटम क्या होता है, इट इज़ द थेरोटिकली एग्जैक्ट ज्योमेट्रिक रेफरेंस सच एज एक्सिस, प्लेन्स एंड स्ट्रेट लाइन्स एक्सेट्रा टू विच द टॉलरेंस फीचर आर रिलेटेड। मतलब ये वाली जो लाइन रहती है ना, ये लाइन, इसको बोलते हैं डैटम। मतलब यहाँ से अभी हम अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। डैटम फीचर, और डैटम फीचर्स इज द फीचर ऑफ पार्ट सच एज एज। अभी वो एक तो एज भी रह सकती है, या फिर सरफेस भी रह सकता है, या फिर होल भी रह सकता है। ठीक है, तो डैटम फीचर हम कहीं से भी लगा सकते हैं। मतलब प्लेन सरफेस भी रह सकता है हो, या फिर कर्व सरफेस भी रह सकता है, या फिर एज भी रह सकती है, या फिर होल भी रह सकता है। ठीक है, द डैटम फीचर इज द फीचर टू विच टॉलरेंस ऑफ द ओरिएंटेशन पोजीशन एंड द रन आउट आर रिलेटेड। अभी डैटम टैंगल क्या होता है, इसको बोलते हैं डैटम टैंगल। द डैटम्स आर इंडिकेटेड बाय द लीडर लाइन टर्मिनेटिंग इन फिल एंड ओपन टैंगल। ये मतलब ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से हमको क्या करना है, अभी टॉलरेंस ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस लगाना है। तो ये सिंबल है, इसको फिलअप करके रखते हैं हम, है ना, सिंबल है। अभी डैटम लेटर, टू आइडेंटिफाई डैटम फॉर द रेफरेंस पर्पज, अ कैपिटल लेटर इज इंक्लोज इन फ्रेम कनेक्टेड टू द डैटम ट्रायंगल। और एक अल्फाबेट लेटर इसलिए क्योंकि एक कंपोनेंट के लिए हम बहुत सारे टॉलरेंस लगा सकते हैं। तो अगर नंबर लिख के रखे, मतलब अगर नंबर है यहाँ पे हमने लिख के रखा तो हमको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे देखो, अभी ये तो हमने एक रीजन सेलेक्ट कर दिया। अभी देखो, सबसे पहले इसको बोलते हैं टॉलरेंस फीचर्स, उसके बाद इसको बोलते हैं एरो, इसको बोलते हैं लीडर लाइन, है ना। अभी देखो यहाँ पे जो पहला जो है इसको बोलते हैं टॉलरेंस सिंबल, सिंबल यहाँ पे मशीन के हिसाब से चेंज होता है। उसके बाद इसको बोलते हैं टॉलरेंस वैल्यू, मतलब कितना टॉलरेंस दे रहे हैं अभी उसको। और इसको, इसके बाद इसको बोलते हैं डैटम लेटर, डैटम लेटर मतलब कहाँ से हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हर कंपोनेंट के लिए और हर पोजिशन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। अभी कुछ सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। अभी सबसे पहला कैरेक्टर से फॉर्म ऑफ सिंगल फीचर, स्टेटनेस। अगर स्टेटनिंग करना होगा तो ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, फ्लैटनेस होगा तो ये वाला, सर्कुलरिटी या फिर राउंडनेस के लिए ये सर्कल बनाएंगे, सिलेंड्रिसिटी होगा तो इस तरह से सिंबल रहेगा, प्रोफाइल ऑफ एनी लाइन रहेगा तो इस तरीके से, प्रोफाइल ऑफ एनी सरफेस ऐसा। अभी ओरिएंटेशन ऑफ रिलेटेड फीचर, पैरेललिज्म का ये सिंबल है, ये परपेंडिकुलरिटी का है, ये एंगुलरिटी का है, ये पोजीशंस का है, ये कॉन्सेंट्रिसिटी एंड कोएक्सिलिटी का है, ये
सिमेट्री का है और एक रन आउट का है, ठीक है। इसके ऊपर एग्जाम में 110% इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मतलब आते हैं। आपको ये सारे के सारे सिंबल जितने भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सारे के सारे सिंबल्स आपको रट के रखना है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में कंटिन्यूसली क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अभी जनरल वेल्डिंग सिंबल्स, वेल्डिंग सिंबल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कुछ जॉइंट्स लिया है और उसके सिंबल्स मैं आपको बताता हूँ। ये है बट वेल्ड, पहला वाला बट वेल्डिंग। अब ये क्या करें, एक ही मेटल की प्लेट है और ये दूसरी मेटल की प्लेट है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको वेल्डिंग करके फिलअप किया है, तो इसको क्या बोलते हैं, बट वेल्ड बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं बेस मेटल, इसको बोलते हैं रूट ओपनिंग, ये रूट फेस हो गया, इसको वेल्ड फेस बोलते हैं, ये बीवेल एंगल है, ये ग्रू है इतना, और ये फ्यूजन जोन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये फिलेट वेल्ड रहता है, जब ऐसे इंक्लाइन में अगर एक परपेंडिकुलर में अगर शीट नहीं, तो इसको बोलते हैं फिलेट वेल्ड, इसको बोलते हैं रूट, इसको बोलते हैं टो, इसको बोलते हैं फ्यूजन जोन, वेल्ड फेस, वेल्ड साइज, वेल्ड साइज और थिकनेस, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सिम्बल्स रहते हैं। अब इसमें देखो पोजिशन ऑफ द वेल्ड सिंबल ऑन द ड्राइंग, द कम्प्लीट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेल्ड्स ऑन द ड्राइंग कंप्रेस एंड इन एडिशन टू द सिंबल्स द फॉलोइंग। देखो सबसे पहले रहता है एरो लाइन, ये रहती है एरो लाइन, उसके बाद है ड्यूअल रेफरेंस लाइन, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। अभी रेफरेंस लाइन अलग अलग रहते हैं, टू पैरेलल लाइंस पे रहते हैं, अभी वन कंटिन्यूस एंड वन डैश वाली पे रहती है, और सर्टन नंबर ऑफ डायमेंशंस, थर्ड वाले पोजिशन पे डायमेंशन शो किया है, फोर्थ वाले इस पे कन्वेंशनल साइंस है, ठीक है। फॉलोइंग आर द सम वेल्डिंग सिंबल्स, अभी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको प्रॉपर देखो। अभी सबसे पहला है बट वेल्ड, है ना, इसको बोलते हैं बट वेल्ड, तो ये हो गया उसका सिंबल्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है स्क्वायर बट वेल्ड, ये देखो स्क्वायर शेप है ना, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर बट वेल्ड, इसके इसका सिंबल्स। इसको बोलते हैं सिंगल वी बट वेल्ड, ये वी वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं सिंगल वी बट वेल्ड, इसको बोलते हैं सिंगल बीवेल बट वेल्ड, ये बीवेल वाला है ना। उसके बाद इसको बोलते हैं सिंगल वी बट वेल्ड विद अ ब्रॉड रूट फेस, ब्रॉड रूट फेस यानी कि इसका देखो फेस यहाँ से ब्रॉड है, इसको भी बोलते हैं ये रूट फेस वाला है, इसको यू टर्न वाला बोलते हैं, यू बट वेल्ड बोलते हैं, इसको सिंगल यू बट वेल्ड बोलते हैं, और इसके बैकिंग वेल्ड बोलते हैं। तो इसमें देखो स्क्वायर बट वेल्ड सिंगल, यहाँ तक जो है ना इसके ऊपर क्वेश्चनिंग आते हैं ऊपर के चार वाले, ये इंपॉर्टेंट है। फिर फिलेट वेल्ड ऐसा रहता है, फिलेट वेल्ड इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, स्पॉट वेल्ड के ऊपर भी आता है, सीम वेल्ड के ऊपर भी आता है, ये स्पॉट वाला है, सीम वाला है, सीम में ऐसे कंटिन्यूस लाइन देती है, स्पॉट में स्टेप ऐसे पॉइंट देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया, ये फ्लैट अगर रहा तो ऐसे सिंबल्स देते हैं, ये कॉन्वेक्स का सिंबल है और एक कॉनकेव का सिंबल है। अभी फ्लैट सिंगल वी बट वेल्ड ऐसा रहता है, कॉन्वेक्स डबल वी बट वेल्ड रहा तो ऐसा रहता है, ये कॉनकेव फिलेट वेल्ड वाला सिंबल है और ये फ्लैट वाला सिंबल है, ठीक है। अभी कुछ मशीनिंग सिंबल्स भी रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, ये रफनेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। द बेसिक सिंबल्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ टू लेग्स ऑफ अनइक्वल लेंथ इंग्लैंड एंड अप्रोक्सीमेटली 60 degrees टू लाइन, यहाँ का जो एंगल है वो 60 degrees का है, ठीक है, फिगर ए का। दिस सिंबल मे बी यूज वेयर इट इज नेसेसरी टू इंडिकेट दैट द सर्फेस इज मशीन विदाउट इंडिकेटिंग द ग्रेड ऑफ रफनेस ऑफ प्रोसेस टू बी यूज, मतलब मशीनिंग अगर करना होगा तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। इफ द रिमूवल ऑफ मटेरियल इज नॉट परमिटेड अ सर्कल इज एडेड टू द बेसिक सिंबल एज शोन इन फिगर, दिस सिंबल मे ऑल्सो बी यूज इन ड्रॉइंग रिलेटिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस इंडिकेटिंग द सर्फेस इज लेफ्ट इन स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम प्रेसिडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब पहले अगर प्रोसेस हो चुकी होगी अभी उसको प्रोसेस को कंटिन्यू करना होगा तो वहाँ पे हम इसे सर्कल बनाते हैं। इफ द रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मशीनिंग रिक्वायर्ड, मतलब अगर किसी कंपोनेंट से अगर मटेरियल अगर हमको रिमूव करना रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे ऐसा सिंबल बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ये वाला टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर भी क्वेश्चनिंग आते। एक ये वाला टॉपिक है, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। मतलब देखो अभी जो ए है यहाँ पे जो पोजीशन रहता है उसको रफनेस वैल्यू बोलते हैं, बी वाले पोजीशन को मैन्युफैक्चरिंग मेथड बोलते हैं, सी वाले को बोलते हैं सैम्पलिंग लेंथ, डी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्ले, ई को बोलते हैं मशीनिंग अलाउंसेस, और एफ को बोलते हैं अदर रफनेस की वैल्यू, ठीक है।
तो थेरोटिकल पोर्शन सिर्फ इतना ही है, इसके बाद वाले लेक्चर से हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल हम क्या करने वाले स्टार्ट करने वाले।